जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे धन की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ग्रहों के अनुसार इंसान के पास धन की कमी क्यों आती है, फिर आखिर में उपाय आपको इसके दूंगा जिससे धन की कमी दूर हो सके। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ज्योतिष के अनुसार हमारा जो दिमाग है वो राहु है, हमारी जो बुद्धि है वो बुध है, और दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं वो केतु है। जन्म कुंडली में लाल किताब में कहते हैं कि अगर बुध अच्छा तो सब अच्छा, बाकी सारे ग्रह खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर बुद्धि साथ है तो इंसान अपनी अच्छी बुद्धि का, तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए धन भी कमा लेगा, रिश्तों को भी संभाल लेगा, हर तरह से हालात ठीक रहेंगे। लेकिन अगर बुद्धि खराब तो जाने अनजाने में खुद को समझदार समझता हुआ ही इंसान या कैसे ना कैसे करके ऐसी गलतियां करेगा जिसमें उसको नुकसान होंगे, बिजनेस के अंदर उतना दिमाग नहीं लगा पाएगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, जिसके कारण बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा, काम के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बुद्धि बुद्धदेव, राहु हमारा दिमाग। राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छे घरों के अंदर बैठा हो, अच्छी सिचुएशन के अंदर बैठा हो, तो इंसान का दिमाग बहुत तेज होगा, इंसान हर चीज़ को बहुत जल्दी समझेगा, सीखेगा, चुटकियों में अपनी परेशानियों के डिसीजन लेने वाला इंसान होगा। जन्म कुंडली में जब बुध राहु केतु और शनि ये खराब हो जाते हैं, क्योंकि यही इंसान को सोच देते हैं कि धन को कैसे कमाना है, धन तो एक्चुअल में देने वाले यही है, अगर यही खराब हो गए तो वैसी सोच ही नहीं होगी कि हम धन कमाने के रास्ते खोल पाए। और जो धन एक्चुअल में देते हैं वो बृहस्पति चंद्र मंगल शुक्र ये ग्रह हो गए। अब क्या है कि ये जो पापी ग्रह है और साथ में जो बुध है, ये हमें सोच विचार बुद्धि देते हैं, और उस सोच विचार बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये अच्छे ग्रह जो बृहस्पति चंद्र मंगल शुक्र, ये प्रॉपर्टी रुपया पैसा ये सब हमारे पास लेकर के आते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध ही खराब हो गया, राहु केतु ये सारे ग्रह खराब हो गए, तो हमारे पास उतना दिमाग नहीं होगा, उतनी बुद्धि नहीं होगी कि हम अपने कामों के अंदर सही डिसीजन ले पाए, सही काम कर पाए। और ये शनि राहु केतु अगर खराब होकर के अच्छे ग्रहों को खराब कर दे, यानी कि ये बृहस्पति चंद्र सूर्य या शुक्र को खराब कर दे या मंगल को खराब कर दे, तो फिर उधर सोच विचार बुद्धि नहीं होगी, और इन्होंने अगर उन ग्रहों को भी खराब कर दिया तो पैसा आएगा कहां से, फिर तो पैसा आ ही नहीं पाएगा। तो ये सारा खेल होता है ग्रहों का, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं ज्योतिष के अनुसार। अब हमें सबसे पहले तो अगर धन की कमी रहती है, तो आप जितने भी लोगों को धन की कमी है, जितनी मर्जी कुंडलियां उठा के देख लो, उसमें हालात यही होंगे कि सबसे पहले तो ये पापी ग्रह ही खराब हो रहे होंगे। ये कहीं ना कहीं अच्छे घरों के साथ संबंध कर रहे होंगे, जैसे धन भाव के साथ संबंध करके दूसरे घर में 11वां घर लाभ है वहां जाकर के बैठ गए, या 4था घर रुपया पैसा सुख समृद्धि प्रॉपर्टियों के सुख है वहां जाकर के बैठ गए, या 6ठा घर नौकरी का है वहां जाके खराब होकर के बैठ गए, तो नौकरी में परेशानी। तो अगर ये खराब हो गए, अच्छे घरों में चले गए, तो ये सारे हालात देते हैं, बुद्धि अच्छी नहीं देते, सोच विचार अच्छे नहीं देते हैं। अगर कहीं बृहस्पति चंद्र सूर्य के साथ जाके बैठ गए, उनके साथ संबंध करे गए, तो उनको भी खराब गया, जिसके कारण धन की कमी तो आनी है नहीं। सबसे पहले पापी ग्रहों को ठीक करना है, उसके लिए सबसे पहले तो बुध देव को कैसे अच्छा करना चाहिए, बुद्धि को कैसे अच्छा करना चाहिए, छोटी छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफियां देके उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए, कन्या पूजन करना शुरू कर दीजिए, आसपास की कन्याओं की सेवा करनी, उनका आशीर्वाद लेना, उनका पूजन करना शुरू कर दीजिए। जो लोग कन्याओं के साथ गलत करते हैं उनका बुध कभी अच्छा नहीं होता, और बुद्धि भी खराब होती है, बिजनेस में भी तरक्की नहीं करते। सबसे पहले तो कन्या पूजन जरूरी है। अगर बिजनेस को लेकर ज़्यादा परेशानी है और बुध बहुत ज़्यादा खराबी पे है, तो ऐसे में 96 दिनों के लिए नाक्षेदन भी करवाना जरूरी है। अब राहु केतु और शनि को कैसे अच्छा किया जाए, और साथ में शुक्र को, क्योंकि शुक्र भी दैत्य के गुरु शुक्राचार्य है, तो वो भी पापी ग्रहों के अंदर ही आएंगे। हर रोज आपके घर में जो भी पहली रोटी बनेगी, वो रोटी लेकर के उस रोटी को आधा कीजिए, आधी रोटी गाय को डाल दीजिए, जो आधी रोटी बचेगी उसकी आधी से आधी लेकर के कौ और कुत्तों को डाल दीजिए। शनि राहु केतु और शुक्र आपके अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, ये तकरीबन 50 दिन करके देखिए रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अब अच्छे ग्रहों को अच्छा करना भी जरूरी है, जैसे बृहस्पति हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया। मंगल के लिए अपने मित्रों और भाइयों के साथ संबंध अच्छे रखने शुरू कर दीजिए, और हर मंगलवार
मीठा लेकर के हनुमान जी को चढ़ा दीजिए, या तो मंदिर में खड़े लोगों में बांट दीजिए, या हर मंगलवार मीठा खरीद के अपने मित्रों में भी बांटिए, खुद भी खाइए, मंगल अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति और चंद्रमा, माँ मौसी नानी दादी का आशीर्वाद लेने से चंद्रमा अच्छा होगा, और साथ ही बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आसान सा उपाय, रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाइए, गुरुओं की इज्जत कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, पिता का आशीर्वाद लीजिए, दादा का आशीर्वाद लीजिए, कुल पुरोहित को मानिए, मंदिर के अंदर पंडित, गुरुद्वारा के अंदर जो पाठी है, जो भी बुजुर्ग है, उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए, बृहस्पति अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। मात्र ये उपाय करके देखिए आप, 50 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। इसी तरह से हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता।